पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों को जो पहला लेक्चर मैंने आप लोगों को सेंड किया था इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा तमाम लोग वो सुने। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनके रीजन कौन कौन से हैं? रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है। आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ये प्रेजेंटेशन जो है? यस सर। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं उनके रीजन जो है रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गैमा रेज है और कॉस्मिक रेज है। ये रीजन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। तो इनमें ये जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हर रीजन मॉलिक्यूल की एक खास पोर्शन के साथ जाके इंटरेक्ट करता है और उससे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अराइज होती है, जिससे हमें उस मॉलिक्यूल के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोग लास्ट में सुनिएगा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने आपको भेजा था, पहला लेक्चर जो भेजा था। उसमें मैं आप यस लोगों सर। से अब पूछता हूं तो मुझे ये बताएं कि रेडियो वेव जो हैं किसी मॉलिक्यूल में कहाँ पे जाके इंटरेक्ट करती हैं? जी, रेडियो वेव्स किसी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस कहाँ की पे जाके स्पिनिंग इंटरेक्ट को इन्वर्ट कर करती हैं? जी, हैं सर, न्यूक्लिया की स्पिनिंग को इन्वर्ट कर देती हैं। कौन बोल रहा है? जी बोले आप। सर, न्यूक्लिया की स्पिनिंग को इन्वर्ट करती हैं वेरी गुड, न्यूक्लियाई की रेडियो स्पिन वेव। को इन्वर्ट करते हैं। और ये बताएं फिर इससे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होती एनएमआर, न्यूक्लियर है? मैग्नेटिक एनएमआर रेजोनेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी, बिल्कुल, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसकी कुछ एप्लीकेशन भी पता होंगी आपको, कौन सी एप्लीकेशन है? यस सर, बॉन्ड लेंथ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और एटॉमिक मास। नहीं, वो तो आप माइक्रोवेव की बता रही हैं, रोटेशनल की। मैं एनएमआर की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर, पोजिशनल आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए आइसोमर्स की डिफरेंशिएशन के लिए आइसोमर्स जाते की। हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पोजीशन जो आइसोमर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए रेडियो वेव्स जो हैं वो यूज होती हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होती है वो है एनएमआर या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें सपोज आपके पास ये एक न्यूक्लियाई है, ये इस डायरेक्शन में आपके पास ये रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है, स्पिन का लफ्ज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इसके ऊपर हम रेडियो वेव्स बम्बार्डमेंट कर देंगे तो इसकी जो स्पिन है वो इन्वर्ट हो जाएगी, जिससे बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं किसी मालिक्यूल में कहाँ पर जाके इंट्रैक्ट करती हैं? जी किसी भी मॉलिक्यूल रोटेशन रोटेशन करवा, जो आपके पास माइक्रोवेव्स हैं ये किसी मॉलिक्यूल की रोटेशन जो है उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। सपोज आप लोगों के पास ये एक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप इसको HCl कंसीडर कर लें। HCl एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब इसके ऊपर आप माइक्रोवेव्स डालेंगे, सपोज पहले ये 1 सेकंड में 10 बार रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर माइक्रोवेव डालेंगे तो इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 1 सेकंड में 20 बार रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, अगर कम रोटेशनल फ्रीक्वेंसी हो तो हम कहेंगे रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कम है, और हम कहेंगे ये लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल है। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा तो हम कहते हैं ये हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल है। और जब एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव्स डाली जाती हैं उस मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ट्रांजिशन होती है लोअर रोटेशनल लेवल टू हायर रोटेशनल लेवल। इससे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होती है जब किसी के ऊपर माइक्रोवेव डालते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंफ्रारेड के बारे में बताएं जी। वाइब्रेशन इंक्रीज करती है सर। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है, ये आपके पास HCl सपोज, तो इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती है, कम होती है, जैसे एक स्प्रिंग के साथ दो मैसेज टाइड हो या बंधे हो।
तो वो स्प्रिंग जैसे वाइब्रेट करता है, वो डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस तरह डिस्टेंस कम और ज़्यादा होना जो है ये कहते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के एक सेकंड में मालिक्यूल कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में मालिक्यूल कितनी बार। जब इंफ्रारेड रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं तो उससे हमारे पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है मालिक्यूल की वो बढ़ जाती है। ये जो इंफ्रारेड है जो अभी हम करने जा रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेबॉरेटरी के अंदर बना रहे हैं FTIR के बगैर वो मुकम्मल ही नहीं होता जब तक आप उसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ना ले लें, क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ही बताता है कि जो मालिक्यूल आपने बनाया है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शामिल हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। आप बता सकते हैं कि ये जो अल्ट्रावायलेट विजिबल है ये कहाँ पे यूज होती हैं जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए, किसी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करने के लिए, लोअर एक्साइट लोअर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी वाला उससे हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होती है। उसके बाद जो आप लोगों के पास एक्स रेज हैं, अच्छा यूवी विजिबल से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी अराइज होती है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उसको बोलते हैं। एक्स रेज क्या करती है? उनके ऊपर जब डालते हैं तो ये उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऊपर वाले शेल में लेके चले जाते हैं। और ये एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ पे की जाती है? ये होती है एलिमेंट की कंफर्मेशन के लिए, एलिमेंट डिटेक्शन के लिए। पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट जो है उसका अपना एक एक्सरे का पैटर्न है, या एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसकी अपनी एक खास वैल्यू होती है। गैमा रेज कहाँ पे होती है? न्यूक्लियर स्टडी के लिए। हाँ, न्यूक्लियर की स्टडी के लिए, यानी जब कोई न्यूक्लियर जो है वो अनस्टेबल हो, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसमें से रेडिएशन निकलती है वो गैमा रेज निकलती हैं। तो ये रीजन है कॉस्मिक रेज आमतौर पर हम स्टडी नहीं करते, तो बहुत हाई एनर्जी की रेज है। यहाँ तक हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रीजन है जब किसी मालिक्यूल के साथ इंट्रैक्ट करता है तो उससे एक खास किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो अराइज होती है, जिसकी अभी हमने इंफॉर्मेशन अभी ली है। हमने जो आप लोगों के पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोवेव रेडिएशन कॉजेज ट्रांजिशन अमॉन्ग डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे कुछ? जी सर, रोटेशनल एनर्जी लेवल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी वो कितना तेजी से रोटेट कर रहा है। हाँ, क्वांटाइज्ड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जो ये क्वांटाइजेशन वाला लफ्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? सर फिक्स हर एक रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होती है। जब एक मॉलिक्यूल एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे में जाएगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, उसके बाद IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो है IR रेडिएशन कॉजेस ट्रांजिशन अमॉन्ग डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बिल्कुल उसी तरह कि अगर कोई मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहा तो हम कहते हैं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। मालिक्यूल अगर तेज वाइब्रेट कर रहा तो हम कहते हैं हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जब IR रेडिएशन किसी मालिक्यूल के ऊपर डाली जाती है तो वो मालिक्यूल जो है बाई चांस कुदरती तौर पर ही हम ये कह सकते हैं कि वो जो IR रेडिएशन की एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल की एक वाइब्रेशनल लेवल से जंप करके दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जंप करके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए
बाय चांस ये एनर्जी उससे मैच करती है कुदरती तौर पे, कि एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है अपने लोअर लेवल में, वो हायर लेवल में वाइब्रेट करना चाहता है, उसको जो एनर्जी चाहिए कुदरती तौर पे ये एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी के साथ कोरस्पोंड करती है। और इंफ्रारेड रेडिएशन में भी आगे रेंज होती है, वो ये एक एनर्जी नहीं होती, रेंज ऑफ एनर्जीज है, तो वो उससे मैच करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे अराइज होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद कभी कभार हम लोग जब हम रेडियो वेव स्टडी करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं हर्ट्ज। असल में ये सारे एनर्जी को शो करने का एक तरीका है, कितनी एनर्जी चाहिए। कभी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म में यूज कर रहे होते हैं, कभी एनर्जी को शो करने के लिए वेव लेंथ या नैनोमीटर यूज करते हैं, कभी एनर्जी को शो करने के लिए वेव नंबर या सेंटीमीटर इनवर्स शो करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। रेडियो वेव्स में अगर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के एनर्जी के बारे में बताना हो तो हर्ट्ज यूनिट, हालांकि एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल है, लफ्ज जूल होता है जौल नहीं होता, एनर्जी की यूनिट हालांकि जूल है लेकिन एनर्जी के यूनिट्स जो हैं एनर्जी कहा जाता है कि हर्ट्ज में लें हम। और जब आप लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम 10 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक स्टडी करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोमीट्री में। इसी तरह वेव नंबर जो है वो 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक वेव नंबर होता है, तो उससे हम स्टडी करते हैं माइक्रोवेव और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है ये हम यूज करते हैं जब हम लोग XPS या EDX एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या XPS हम करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट यूज करते हैं। ऐसा क्यों है सर? यूनिट यूज करते हैं जिसके अंदर हमें क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ी आसानी हो, लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे ना किसी लाइक रोटेशनल के लिए, जो जो करेंगे ना जो फिगर यूज करेंगे उसका पॉइंट्स भी हो जाएगी वो 10 की पावर में चली जाएगी। यूनिट्स को देखते हुए हम चेंज कर लेते हैं कि हमने किसके लिए क्या यूज करना है, यानी जो आसानी से डिजिट्स हम आसानी से याद रख सके, जो हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उसके पास, लाइक यूवी विजिबल के लिए हम मीटर यूज कर लेते हैं और आईआर के लिए हम वेव नंबर यूज करते हैं 600 से 4000 और अगर हम वही यूज करते हैं सर माइक्रोवेव के लिए भी हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। जी वेरी गुड, सेंटीमीटर इनवर्स यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, सपोज आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें या स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो वो आप लोगों के पास 10 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। अब ये जो आपके पास फिगर्स आ रहे हैं ये बड़े आसानी से याद हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी को आप ये जो नंबर है इसको नैनोमीटर को आप लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हर्ट्ज में या वेव नंबर के यूनिट्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो आपके पास डिजिट्स आएंगे वो बहुत बड़े होंगे या बहुत छोटे होंगे, उनको याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वैसे अगर ये 10 से लेकर 750 नैनोमीटर, यहाँ कोई भी नैनोमीटर है, अगर हम उसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हर्ट्ज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये नीचे फार्मूला दिया गया है। ये जो E is equal to h nu है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E is equal to h nu, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? इसमें ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, और जो आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही है। ये कोई पॉइंट है आप लोगों के पास, एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास करेंगी उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सपोज आपके पास ये और ये, यहाँ तक आपके पास एक वेव हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों के पास दो वेव्स हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास तीन वेव्स हो गई, चार हो गई और ये 4.5, ये 4.5 वेव्स हैं। अगर एक सेकेंड में इस एक पॉइंट से 4.5 वेव्स पास करें तो हम कहते हैं कि ये जो वेव जा रही है ना इसकी फ्रीक्वेंसी 4.5 वेव्स पर सेकंड, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4.5 पर सेकंड। वेव्स ना भी लिखें तो ठीक है, 4.5
4.5 वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितनी वेव गुजरती है। अब देखिए कोई भी वेव है उसको अगर वेव को करेक्टराइज करना है, करेक्टराइज करना मीन उसको समझना है, हमने उसकी देखना है अच्छे से, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, तो ये आप हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। अब जाहिर है अगर ये वेव जा रही है तो इसके अंदर कुछ पावर भी है, कुछ इसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपके पास 4.5 पर सेकंड है इसको आप एक कांस्टेंट से जो प्लैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था 6.625 × 10⁻³⁴, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³⁴, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगा कि कितनी एनर्जी है, और इसके यूनिट है जूल सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, उसके बाद आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जूल सेकंड है, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद जूल ओनली, तो आपके पास जूल में आ गई एनर्जी। तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, यानी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी ज्यादा वेव्स गुजर रही होंगी, जब इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर है वो उतना बड़ा आएगा। इसलिए कहते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, और उसी को अगर हम वो जो हमारे पास नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दें एच के साथ, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ चूंकि ये कांस्टेंट है, इस इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। उसके बाद जब हम लोग ये देखते हैं न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ये कहाँ से आ गया? आपको पता है कि हमारे पास एक बुनियादी जो फिजिक्स में फार्मूला है वो है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लोग एक गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं तो जितने किलोमीटर एक घंटे में हुए, किलोमीटर पर आवर आप उसको लिख सकते हैं एस ओवर टी। तो यहीं से हमारे पास क्या आ गया, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी, वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये तो हो गया मैकेनिक्स में, जब आप लोग बात करते हैं किसी मैस एम का कोई बॉडी है वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है तो उसके लिए बात करते हैं। जब इसको मैस एम का कोई बॉडी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे, जैसे आपके पास ये एक रेडिएशन है, इसमें ये जो आप लोगों के पास रेडिएशन है इसमें जो डिस्टेंस है जिसके यूनिट मीटर है, इसकी जगह पे आप लोगों के पास वेव लेंथ है, लेंथ के यूनिट मीटर है ना, वेव लेंथ, लेंथ है ना, लेंथ, वेव लेंथ एक लेंथ है। जैसे आपके पास ये डिस्टेंस है, ये आपके पास लेंथ है। इसी तरह जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब एक मैस एम के बॉडी की बात करते हैं जिसकी वेलोसिटी एक मेजरेबल है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो उनकी वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी ऑफ लाइट आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है। इसी तरह आप लोगों के पास जो टाइम है वो टाइम पीरियड होगा, याद रखिए। तो ये फार्मूला जो है ये बनता है टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या फर्क है? फ्रीक्वेंसी तो हो गई नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकंड, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ये तो आप लोगों के पास हो गई फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास टाइम पीरियड जो है ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक वेव पास होने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव टू पास थ्रू दिस पॉइंट। और ये और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल कैसे है। आप देखें जरा यहाँ पे ये क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या थी 4.5, यानी ये जो आप लोगों के पास 4.5 वेव्स हैं इस एक पॉइंट में से जब पास होती है तो एक सेकंड टाइम लगता है, एक सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन वन सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये 4.5 वेव्स पर सेकंड। अब हम टाइम पीरियड देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव्स, एक वेव को पास करने में कितना टाइम लगता है। देखिए जरा, तो हमारे पास जो है वो यूनिटी मेथड है, यूनिटी मेथड होता है कि 4.5
time taken for 4.5 waves to pass through a point. एक पॉइंट में से एक वेव 4.5 वेव्स को गुजरने में कितना टाइम लगता है, एक सेकंड का टाइम लगता है. टाइम टेकन फॉर 4.5 वेव्स टू पास थ्रू अ पॉइंट, वन सेकंड हो गया. इसी तरह टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, वो आपके पास क्या आ गया, 1/4.5. इसको बोलते हैं, ये आपके पास होता है टाइम पीरियड, ये आपके पास टाइम पीरियड होता है. तो आप देख लें एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड. और ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी थी. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. यहाँ पे आप लोगों के सामने ये आ गया कि टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 4.5 थी ना, और टाइम पीरियड हमने देखा है 1/4.5 है, इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यहाँ से हमें पता चल गया. तो अब अगर हमारे पास न्यू इज इक्वल 1/T है, तो हम लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये 1/ फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है. अगर हम इस तरह लिख लें, ये एक ही बात. अब यहाँ जरा पुट करें आप इस पे, इसमें पुट करें लैम्डा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई 1/ फ्रीक्वेंसी. 1/ फ्रीक्वेंसी आ गई. अब फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे लेके जाएं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी. और यहाँ पे अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, वो है सी ओवर लैम्डा. तो ये जो आप लोगों के पास, मैंने आपको सारी डिस्कशन आप लोगों के सामने की है, वो डिस्कशन की है आपको ये बताने के लिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. ये देखने इस पैटर्न पे हम लोग चले, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. तो अब आपके पास ये आ गया. अब ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच न्यू में पुट करें. जब आप न्यू की जगह पुट करेंगे सी ओवर लैम्डा, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखिए ना, एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है. वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता ही, 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आप लोगों के पास ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. तो यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया वेवलेंथ. और मैं आप लोगों को ये इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी कि सपोज आप लोगों के पास एक बड़ा आदमी कहीं खड़ा है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, दोनों एक ही लाइन पे खड़े हैं और किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं. तो अब चूंकि बच्चा जो है उसके स्टेप्स छोटे हैं, हम कहेंगे उसकी वेवलेंथ कम है, और जो बड़ा आदमी है उसके स्टेप्स बड़े हैं, उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा. तो अगर वो दोनों साथ साथ चलना चाहेंगे, तो कहीं भी जाने के लिए वो जो आदमी जब चलेगा, तो बच्चे को उसके साथ रहने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा. तो किसकी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बच्चे की एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है. तो इसका मतलब है जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा. जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा. अब देखें दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था आप लोगों के ये टेस्ट में कि कौन सी रेडिएशन की वेवलेंथ, कौन सी रेडिएशन की वेलोसिटी ज़्यादा है. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सबकी वेलोसिटी सेम है, वेवलेंथ कम हो सकती है. जैसे मैंने कहा, वो बच्चा और जो बड़ा आदमी है वो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बच्चे को दौड़ना पड़ रहा है, बच्चे की एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है क्योंकि बच्चे की वेवलेंथ कम है, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं. वेलोसिटी दोनों की एक जैसी है, गिवन टाइम में दोनों एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तमाम रीजन्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया. तो हमने ई इज गुड एच न्यू, न्यू की जगह पे सी और लैम्डा आ गया, ये यहाँ पुट किया एच सी और लैम्डा. ये कांस्टेंट हैं तो आ गया 1/ लैम्डा. उसके बाद ई इज गुड एच सी, 1/ लैम्डा जो है इसको बोलते हैं वेव नंबर.
अब ये वेव नंबर आपके पास क्या है? वेव नंबर जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब क्या है? वन ओवर सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यूनिट लेंथ के अंदर, सपोज यूनिट लेंथ क्या है? यूनिट लेंथ मीन यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब ये है, सपोज आपके पास ये एक सेंटीमीटर है, इस एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स हैं, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ये एक सेंटीमीटर लंबाई आप लोगों के पास, इसमें कितनी वेव्स होंगी उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। आप इसमें से वेव काउंट कर लें, एक वेव यहां तक खत्म हुई, दो वेव यहां तक, तीन वेव्स और यहां तक चार वेव्स। तो एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? फोर। तो हम कहते हैं इसका वेव नंबर है फोर सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स में भी देख सकते हैं, मीटर में भी देख सकते हैं। सपोज आपके पास ये लेंथ एक मीटर है, इस एक मीटर लेंथ में कितनी वेव्स हैं? एक मीटर लेंथ, तो यूनिट लेंथ मीन यूनिट ऑफ लेंथ। वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप जो किस लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेंटीमीटर और वन मीटर, इसको हम कहते हैं वेव नंबर। अब यहां देखा है हमने कि इस एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी, इस एक सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स हैं? फोर। हम कहेंगे कि इसका वेव नंबर जो है वो फोर है। अब मैं बताना चाहता हूं कि वेव नंबर और वेव लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे बताएं कि इस एक वेव की लेंथ क्या है, जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं, एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, ये आपके पास वेव लेंथ। एक सेंटीमीटर में चार वेव्स हैं, एक वेव की लेंथ कितनी होगी? एक वेव वन बाई फोर, एक वेव की लेंथ होगी वन बाई फोर। तो आप देख लें कि इधर फोर है, इधर वन बाई फोर है, तो इसका मतलब है वेव नंबर। और क्योंकि एक सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा जो है एक वेव ने कवर किया हुआ है या ट्रेवल किया हुआ है, एक वेव ने, एक सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा, वन बाई फोर आ गया। तो इसका मतलब है वेव नंबर और वेव लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली या रेसिप्रोकल है। अब क्या हुआ, वन ओवर लैम्बडा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? वेव नंबर। ये वेव नंबर यहाँ पुट करें। अब ये एच सी कॉन्स्टेंट है, तो एनर्जी और वेव नंबर भी एक दूसरे के गए हैं। ये आप लोगों के पास एनर्जी और वेव नंबर भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वेव नंबर जो जो बड़ा होता जाएगा, एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, एनर्जी और वेव लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ओके जी, आज इतना ही है इंशाल्लाह, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।